मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, मेरे को हिम्मत भी नहीं हो रही इस बारे में बात करूँ मैं। एंड मेरे लिए भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिन लोग को नहीं मालूम हो उन लोग को मालूम पड़ जाए। आज सुबह उठा मैं, बहुत अच्छा जा रहा था मेरा दिन, एंड मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया कि इज दानिश डेड। तो मैंने उसे दो तीन सुना दी कि क्या फालतू बकवास कर रही है ये वो। उसने बोला कि उसके एक फ्रेंड ने स्टोरी डाली, उसे स्टोरी भेजी। देन उसके बाद मैंने खुद एक स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम पे, जैसा कि तुम लोग ये देख सकते हो। तो मैंने ये स्टोरी डाली एंड कुछ लोगों के रिप्लाई आए इस वे में, इस तरीके के। किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला, सबके अलग अलग ओपिनियन थे, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं था। देन कंफर्म करने के लिए मैंने इमरान भाई की स्टोरी देखी। इमरान भाई जो दानिश के बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे, मैंने जब इमरान भाई की स्टोरी देखी तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, ना ही अभी तक बिलीव हो रहा है कि ऐसा असलियत में हुआ है। ये कुछ क्लिप्स हैं जो दानिश भाई के इंस्टाग्राम पे लास्ट पोस्ट हुई थी, जो स्टोरीज है, तो ये आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने क्लिप्स देख ली रहेंगी, तो ये दानिश भाई की, अगर ये जो सब चीज़ें हैं ये सच है, तो ये दानिश भाई की लास्ट स्टोरी होगी जो मैंने देखी, आप लोगों ने देखी, क्योंकि दानिश भाई इज़ नो मोर। ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन जिसने मुझे इंस्पायर किया था। जब इन्होंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए थे मैं तब से देख रहा था इन्हें। सीरियसली मैं बता नहीं सकता मुझे कितना बुरा लग रहा है, दिल से बहुत बुरा लग रहा है, मैं रोना सा आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब जिस पर्सन को आप इतना एडमायर करते हो, इतना पसंद करते हो, वो लाइफ में इतना अच्छा करता है, आप उनसे सीखते हो कि हाँ मैं भी करूँगा, एंड देन अचानक से ऐसी सुबह सुबह अचानक से न्यूज़ आती है, रेस्ट इन पीस दानिश ज़िहैन, विल मिस यू ब्रदर करके। इट्स अ शॉक ब्रो, क्योंकि उनकी जो ये फैम ब्रो आर्मी थी मैं उसका हिस्सा था। मेरे पास भी, मैंने भी उनके एक दो मर्च खरीदे थे बहुत पहले फैम ब्रो आर्मी के। फिर यकीन मेरे को ये सब बात पे तब हुआ जब मैंने इमरान भाई की स्टोरी देखी, जैसे कि तुम लोग अभी भी स्क्रीन पे देख सकते हो इमरान भाई की जो अभी स्टोरी थी। और भी बहुत सारे लोगों ने डाला रहेगा, पर मैंने अभी इतना सर्च नहीं किया, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ पढ़ने की। मैंने इनफैक्ट ये स्टोरीज पढ़ी भी नहीं, बस स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। लाइफ इज शॉर्ट, इंडीड लाइफ इज शॉर्ट, कसम से। आज भी यहाँ पे बैठा हूँ ना, यकीन नहीं हो रहा है। अब ये जो तुम लोग फोटोज देख रहे रहोगे जो मैंने दूसरे लोगों की स्टोरी से लिए, कार क्रैश की, जो लास्ट नाइट इसी गाड़ी में दानिश भाई निकले थे 11 घंटे पहले, उनकी स्टोरी डाली हुई थी, उन्होंने गाना गा रहे थे गाड़ी में बैठ के। लाइफ कैन बी सो क्रूअल समटाइम्स। मतलब यार, अगर मैं उनका इतना अच्छा फैन हूँ, मेरे को दिल से इतना बुरा लग रहा है, मेरे को इतना गंदा फील हो रहा है कि मैं कैमरा में मतलब आँख मिला के बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो सोचो यार उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, उनके जो मेरे से भी डायहार्ड फैन होंगे उनकी क्या बीत रही होगी, जो देख रहे वीडियो उन लोग को, जो अभी मेरे वीडियो देख के मालूम पड़ा उन पे क्या बीत रहा होगा। एक चीज़ रह गई मेरी सपना टाइप की, दानिश भाई से मिलना था, एक फ़ोटो खिंचवानी थी उनके साथ, क्योंकि मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने ऐसी एडिटिंग सब शुरू की अपने इंस्टाग्राम पे, उनकी जैसी एडिटिंग। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, बहुत अच्छे कर्म किए उन्होंने। आई स्टिल फील बैड मैन, मतलब बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। एंड मैं बस यही कहूँगा, अगर वीडियो देख रहे हो, जानते हो उनको, नहीं जानते हो, जस्ट टू पे रिस्पेक्ट
प्लीज कमेंट, रेस्ट इन पीस, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फॉर दिस इन दिस वीडियो। ना ही मैं बोलूंगा कि सब्सक्राइब करो, ना ही मैं बोलूंगा कि लाइक करो, ना ही मैं बोलूंगा कि शेयर करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज, बस रेस्ट इन पीस कमेंट कर देना, दैट्स ऑल। बस ये बात है कि अब से उनकी वो फोटोज, उनकी वो स्टोरीज, उनकी वो सक्सेस जो शेयर करते थे, जिससे हम जैसे लोग इंस्पायर होते हैं, यूथ इंस्पायर होता है, एट द एज ऑफ 23 इतना सब अचीव कर लिया था, खुद का घर, खुद की गाड़ी, इतना फेम, खुद का मर्च, सो इट्स जस्ट दैट अब ये सब कुछ देखने नहीं मिलेगा। लव यू दानिश भाई, लव यू ब्रो, मे योर सोल रेस्ट इन पीस, दिल से प्यार आपको। बस यार और कुछ नहीं बोल सकता मैं।